अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। वेलकम करते हैं जी अच्छा बर्ड्स में आपका। तो जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम दिखाते हैं हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस के किस तरह से चल रही है, जिस तरह हमने गोल्डियन के अंडे फॉस्टर किए थे। तो चलें जी देखते हैं वीडियो, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला हमारे पास जो भी रिज़ल्ट है मैं आपके साथ पूरा प्रॉपरली शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जी ये हमारा गोल्डियन का पेयर, इसकी जो फीमेल है वो अंदर अंडों पर बैठी हुई है। इसके जो अंडे निकले थे हमने वो फॉस्टर नहीं किए थे, तो कुछ अंडे इसके नीचे अभी मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि इसके अपने अंडे जो थे माशाल्लाह से वो 8 दिए थे इसने, तो जिसमें से 3 अंडे मैंने उठा लिए थे और बाकी अंडे जो हैं कि वो इसके नीचे ही हैं। उसके बाद ये हमारा गोल्डियन का ये सेकेंड वाला जो पेयर है, इसकी जो फीमेल है दोबारा से अपनी लेइंग जो है कि इंशाल्लाह ताला स्टार्ट कर देगी कुछ ही दिनों में, क्योंकि इसके अंडे हमने फॉस्टर कर दिए थे इस पेयर के नीचे और ये उनको बड़े अच्छे तरीके से इनको ब्रीड कर रहे हैं माशाल्लाह से। इसके एक पेयर के नीचे मैंने रखे हुए हैं जनाब 9 अंडे हैं, ठीक हो गया, क्योंकि 3 अंडे इस पेयर के हैं और 6 अंडे इस पेयर के हैं, बाकी जो 5 अंडे इसके नीचे इसके अपने हैं, क्योंकि इसने दिए थे 8 अंडे, इस पेयर ने दिए थे 6 अंडे। अब इसमें से 5 अंडे जो इसके नीचे मैंने रहने दिए और 3 अंडे उठाकर मैंने इस पेयर के नीचे कर दिए थे, और जो इस पेयर ने 6 अंडे दिए थे, क्योंकि इसका जो वजह है ना, असल में वजह ये है कि ये पेयर अपने अंडों पर जो है ना कि प्रॉपरली पहले तो बैठता है, लेकिन जब वो हो जाते हैं ना फर्टाइल हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको जो है ना कि इनक्यूबेट नहीं करता है, बाहर बैठना शुरू हो जाता है, फिर अंडे ठंडे होकर ना ख़राब हो जाते हैं। पिछली दफ़ा मेरे जो है ना कि इसी तरह कुछ सीन चला है, कुछ अंडे जो है थे कि वो अनफर्टाइल हो गए थे, बाकी जो 2 अंडे थे वो डेड इन शेल, मतलब कि आप कह सकते हैं कि हो गए, क्योंकि फर्टाइल होके जो है कि वो ज़ाया हो गए थे। तो मैंने उसके तो सारे उठा लिए हैं। अब ये वाला जो पेयर है ना, ये इसको बड़े अच्छे तरीके से इनक्यूबेट कर रहा है, तो इसके नीचे मैंने रखे हैं, क्योंकि ये जो है ना कि अब रेस्ट पे जाएगा, क्योंकि अपने बच्चे खुद ही पाले गए, एक निकाले दो निकाले चाहे कोई भी ना निकाले, मुझे इस चीज़ से कोई नहीं है इनका। तो आगे आ जाते हैं जनाब, इस पेयर के नीचे मैंने आपको बताया कि गोल्डियन के जो अंडे पड़े हैं माशाल्लाह से, ये भी 3-4 दिन में जो है कि इंशाल्लाह ताला इनकी जो स्टार्ट हो जाएगी हैचिंग। अब आगे आ जाते हैं जनाब, ये फॉन की जो फैमिली बैठी हुई है पूरी, ये पेयर है, ये मेल बैठा हुआ है, ये फ्रंट में फीमेल बैठी हुई है, ये वाली जो ये वाली, ठीक हो गया। इसके जो पीछे वाली है वो वाला इनका पट्ठा है, वो मेल है, वो इन्हीं का पट्ठा है जो क्रीमिनों में निकला हुआ, और माशाल्लाह अपने बड़े प्यारे कलर जो है वो बना रहा है। और जो फीमेल है माशाल्लाह से देख लें फुली लोडेड है इस टाइम पर, ये भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला अपनी लेइंग स्टार्ट कर देगी। नेस्टिंग इन्होंने मुकम्मल कर ली है, मैंने नेस्टिंग इनको दी थी, ये देख लें आप, कुछ 2-4 तीले जो हैं कि इनके वो जो रह गए हैं ये वाले पड़े हुए हैं, बाकी टोटली ले गए हैं अंदर, इन्होंने अपना नेस्ट पूरा कर लिया है। आगे आ जाते हैं जनाब, ये हमारा क्रस्ट का पेयर है। क्रस्ट ने अपनी लेइंग नहीं की थी, मैंने तजर्बा किया था, इनके नीचे मैंने ख़राब अंडे रखे थे पहले, तो ये इन्होंने उनको हीट करना शुरू कर दिया, जब इनको बेट करना शुरू कर दिया तो मैंने इनके नीचे बेंगलीज़ के अंडे जो थे कि वो रख दिए थे, क्योंकि इस पेयर ने जो अंडे दिए थे बेंगलीज़ ने वो फर्टाइल हो गए थे, तो मैंने उनको ज़ाया नहीं किया, तो उसमें से जो अनफर्टाइल थे अभी जो फर्टाइल नहीं हुए थे वो मैंने ज़ाया कर दिए थे। टोटल इन्होंने दिए थे 10 अंडे दिए थे, उसमें से 5 अंडे फर्टाइल हो गए थे, वो मैंने इनके नीचे रख दिए, बाकी जो 5 अंडे थे वो मैंने ज़ाया कर दिए थे। अभी एक ये वाला जो पेयर बैठा हुआ माशाल्लाह से, इसने अपनी लेइंग जो है कि वो स्टार्ट कर दी है, इसने 3 अंडे दे दिए हैं, ये 4 अंडे हो गए होंगे। इसमें क्रस्ट की जो फीमेल है और कॉमन का मेल लगा हुआ है, इसने माशाल्लाह से अपनी जो है कि लेइंग एग लेइंग जो है कि वो कर दी है। अभी 3 या 4 अंडे होंगे, मैंने देखा तो नहीं, खैर कल मैंने देखा था तो 3 थे, आज नहीं मैंने देखा। अभी ये वाला जो बैठे हुए हैं ये इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, क्योंकि ये एडल्ट पठियाँ पट्ठे जो मेरे घर के थे उसमें से इसमें फ़ीमेल जो है कि एडल्ट है जो मेरे घर की है, और 2 मेल इसके साथ छोड़े हुए हैं, इन्होंने अभी तक लेइंग स्टार्ट नहीं की, ये भी जो है कि 10 दिन में कर देंगे। उसके बाद जी ये वाला पेयर, इसमें भी 3 है, 2 मेल है और 1 फ़ीमेल है, इन्होंने भी अभी तक लेइंग जो है कि स्टार्ट नहीं किया, तो इंशाल्लाह ये भी कर देंगे, क्योंकि इसमें भी जो फीमेल है वो भी घर की है, वो भी अभी जो है कि एडल्ट है, अभी भी यंग है। तो इस तरह से ये सीन चल रहा है माशाल्लाह से। तो आगे आ जाते हैं, ये हमारे हैं गोल्डियन, ये गोल्डियन के माशाल्लाह से जो हमारे पट्ठे घर के निकले हुए हैं ये सारे इधर छोड़े हैं हमने,
इसमें 6 है माशाल्लाह से। अभी जो 3 है वो तो बड़े अच्छे कलर में अपने पूरे हो गए हैं, मतलब कि ग्रीन कलर। तो इसमें पहले ये होता है कि इनकी पहले जो नोक होती है ब्लैक होती है, उसके बाद वो वाश होती है, उसका अपना कलर जो बनता है नोक का सिल्वर ग्रे या रेड बनता शुरू हो जाता है, उस तरह से इनका जो एक सीन चलता है। अभी इनकी जो नोक है वो वाइट हो गई है, जो इनकी बीक है वो वाइट होना शुरू हो गई है। जो बड़े 3 थे, जो छोटे 3 हैं उनमें से एक ही जो है कि वो स्टार्ट अभी हो गई है, 2 जो हैं वो बिल्कुल अभी ब्लैक नोक में है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ ये भी पूरे मुकम्मल गोल्डियन ही बनेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी देखते हैं कि ये क्या बनते हैं। तो जो जो इसमें जो पहले वाला बैठा हुआ है, मुझे ये लग रहा है कि ब्लैक हेड में बनेगा, ब्लैक हेड और वाइट चेस्ट में शायद बने, अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन वाइट चेस्ट में इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बनेगा। जो गोल्डियन बेंगलीज के साथ बैठा हुआ है ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। इसके फेस के ऊपर जो है ना कि ब्लैक डॉट बनना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से, ब्लैक ब्लैक जो है ना इसमें फेस पे आना शुरू हो गए हैं डॉट बनने। तो ये ब्लैक हेड ही बनेगा। अभी ये मेल बने फीमेल बने अल्लाह को मंजूर, जो भी बने कोई मसला ही नहीं है इसमें। हमने तो इनसे ब्रीड ही लेनी है इंशाल्लाह ताला, ये अपनी ब्रीड के लिए हमने रोके हुए हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो है कि मेरा प्रोग्राम है इंशाल्लाह ताला इनको जो कि ज़्यादा तादाद में करने का, कोई 50 पेयर तक इंशाल्लाह ताला हम इनको लेके चलेंगे, जिसमें 10 पेयर हम गोल्डियन के लगाएंगे, बाकी बेंगलीज होंगे या जावा के भी है प्रोग्राम के इंशाल्लाह ताला, जावा के भी कुछ पेयर हम लेके आए। तो ये चल रही है जनाब हमारी प्रोग्रेस, और इसके बाद हम आ जाते हैं जनाब हमारे लव बर्ड में। लव बर्ड का जो अंडे हैं वो बिल्कुल फर्टाइल है, इसके अंडे भी माशाल्लाह से पूरे फर्टाइल हैं। फीमेल आपके सामने बैठी है और पेयर इनको प्रॉपरली जो है कि इनक्यूबेशन कर रहा है अपने अंडों की। इनके भी जो बच्चे हैं कि 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह ताला निकल आएंगे। आगे आ जाता है हमारा कोकटेल, कोकटेल हमारा अंदर बैठा हुआ है जनाब पेयर। अभी वो जो है कि दोबारा से अपनी ब्रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा, ये बैठा हुआ जनाब। अभी ये भी फीमेल जो है कि अंडों पर जो है कि तैयार है, और एक अंडा इसने मेरा ख्याल है कि दे भी दिया था कल शाम को, मैंने देखा नहीं था, अभी मैं आया हूँ तो मैंने देखा, तो माशाल्लाह से एक अंडा है इसका, ग्रे जो पैरट है उसके नीचे पड़ा हुआ है। अगर मैं कोशिश करूँ कि आपको दिखा दूँ तो नहीं भाई, वो नहीं देखने दे रहे। एक अंडा माशाल्लाह से इन्होंने लेइंग अपनी स्टार्ट कर दी है। तो इस तरह से जो है कि जनाब हमारे बर्ड की प्रोग्रेस चल रही है माशाल्लाह से बेहतरीन है। हमें बड़ी उम्मीद है कि हमें ये नुकसान नहीं कर सकते। वैसे भी जो बर्ड बिज़नेस है इसमें नुकसान तो भाईजान है ही नहीं है, जो पहली बात है कि इसमें नुकसान नहीं होता, क्योंकि एक पेयर अगर आप लेके आते हैं मिसाल के 1000 रुपये का आप लेके आते हैं, उसके अगर 2 बच्चे भी निकल आते हैं तो 2 बच्चे भी भाईजान 1000 रुपये के सेल हो जाते हैं। उसमें से आप उसका 200-300 रुपये दाने का भी निकालते तो फिर भी आपको 700-800 रुपये का जो है कि वो फ़ायदा हो जाता है, कि जिसमें आपकी जो पेयर की कॉस्ट है वो समझ लें कि जो दाना आपने उनको डाला है वो आपके पेयर की कॉस्ट बन जाएगी, उसके बाद आपकी जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से इनका जो है कि वो बिज़नेस चलता है, और माशाल्लाह से मेरे पास तो बड़े बेहतरीन चल रहे हैं, मुझे इनमें कोई लॉस नहीं है, अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है इसमें। तो आप भी इंशाल्लाह ताला इसमें आए, फ़ायदा लें, बड़ा इसमें फ़ायदा है। तो ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।